नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देखें टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आठमुखी रुद्राक्ष, मतलब एट फेस रुद्राक्ष। और ये जो रुद्राक्ष है ये नेपाली बीड है और इसको मैंने मंगवाया है amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 3500 रुपीज। तो चलिए इसको ओपन करके देखता हूँ। बॉक्स ऐसे में आया है, इसके अंदर में ये ओरिजिनल बॉक्स आया है। ये आपका इनवॉइस, मैं इधर से थोड़ा सा काट के रखा हूँ ताकि निकाल सकूँ। पैकिंग काफ़ी अच्छा आया है, इसको खोलता हूँ। ये आपका रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का साइज जो है काफ़ी बड़ा है और साथ में एक बुकलेट भेजा है जिसमें सारा डिटेल्स दिया गया है, कौन सा रुद्राक्ष किस काम का आता है, कैसे पूजा का विधि है, सभी इसमें दिया गया है। और ये हो गया आपका सर्टिफिकेट जो इंडियन जेमोलॉजिकल लैब लिखा हुआ है, www.igljoypur.in। इस वेबसाइट में जाके आप इस सर्टिफिकेट नंबर को और इसका वेट अगर मेंशन करेंगे तो इसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल जेन्युइन है। इस सर्टिफिकेट के वजह से आपको ये जो रुद्राक्ष है थोड़ा सा महंगा हो जाता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी दूसरे जगह से मंगवाते हैं तो हो सकता है कि वो डुप्लीकेट हो। तो ऐसा मैंने मंगवाया भी था तो उससे जगह में ये पैकेट नहीं आया था, सिंपल सा एक छोटा सा रुद्राक्ष का बीट भेज दिया था तो काफ़ी छोटा सा था। प्राइस के चक्कर में अगर प्राइस कम होगा तो सामान भी डुप्लीकेट होगा। तो ये जो सामान है काफ़ी अच्छा है और ये जो रुद्राक्ष है बिल्कुल नेपाली रुद्राक्ष है, इतना बड़ा रुद्राक्ष मैंने, तो ये रुद्राक्ष काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और साथ में पूजा का विधि के लिए सामान दिया गया है, ये आपका धागा और ये हो गया आपका कपूर और इसमें एक और धागा दिया गया है और इसमें सुपारी, लौंग, इलायची जो पूजा के लिए लगता है, कुमकुम दिया गया है और साथ में हवन के लिए एक चावल भी दिया गया है। तो पांच ऐसे डब्बों बनाइए जिसमें इस रुद्राक्ष को डुबो के शुद्धिकरण कर सके। जैसे आप दूध ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, उसमें आप हनी डाल दीजिए, उसके बाद उसमें तुलसी पत्ता डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा पांच डब्बों। तो पांच डब्बों में इसको भिगो के रखिए, उसके बाद इसको निकल के फिर से आप गंगा जल से धो लीजिए, उसके बाद 108 बार महादेव का जप कर लीजिए ओम नमः शिवाय करके। और हो सके तो ये आठ मुखी है, ये एक्चुअली लॉर्ड गणेशा को रिप्रेजेंट करता है। तो आप 108 बार ओम गणपति नमो करके भी जप कर लीजिए, उसके बाद उसको पूजा विधि करके जैसे आपका धूप वगैरह लगाया, भगवान का नाम लेके इसको आप लाल धागे में डाल के पहन लीजिए। आप सोमवार को पहन सकते हैं, सोमवार को पहनना सबसे अच्छा है क्योंकि ये महादेव का दिन है, नहीं तो आप बुधवार को भी पहन सकते हैं जो आपका गणपति का डे है। तो चलिए ये तो मैं विधि बता दिया कैसे आप कर सकते हैं, तो अभी इसको मैं टेस्ट करूँगा कि ये सही है कि नहीं। तो इसको मैं पहले खोल के दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा है ये, कितना बड़ा साइज है। और यहाँ पे आठ मुखी दिया हुआ है आपका, अगर आप काउंटिंग करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ मुखी दिया गया और काफ़ी बड़ा है, नेपाली रुद्राक्ष है ये। तो इसका वेट कितना दिया गया है यहाँ पे देखिए, सर्टिफिकेट ऐसा दिया गया है, वेट यहाँ पे दिया गया 4.95 ग्राम, मतलब 4.9 ग्राम है इसमें। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया गया, कलर है इसका ब्राउन। चलिए इसको वेट चेक कर लेते हैं, पहले वेट अभी ग्राम में ही है, इसको चेक कर लेते हैं। 4.99 दिखा रहा है, सही है ये, वेट में सही है। और इसका साइज़ देख लेते हैं कितना बड़ा साइज़ है, साइज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इसका साइज़ देख लेता हूँ। ये मैं mm में इसको ऑन करता हूँ, अब इसको खोलूँगा, खोल के इसका साइज़ देखता हूँ, बीट का साइज़ कितना है। पहले इसका टॉप टू बॉटम मेजर कर लेता हूँ, टॉप टू बॉटम जो है वो थोड़ा अपील का शेप का जैसा होता है, ऊपर में और नीचे में थोड़ा सा डबल है। तो टॉप टू बॉटम इसका है, यहाँ पे दिखा रहा है 19.9 है आपका टॉप टू बॉटम। और अगर साइड से मेजर करता हूँ, ये देखिए, ये आपका साइड से मेजर करने से ये आपको आता है 24.14, मतलब 24.1। जनरली स्पेसिफिकेशन में रहता है 20 mm, 22 mm, ये देखिए 24 mm है इसका, मतलब कितना बड़ा साइज़ दिया ये। तो इसका जो बीट का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। और मैं पहले वाला से अगर मैं कंपेयर करूँ, जो मैं अरकम का मंगवाया था, सात मुखी मंगवाया था अरकम का, ये देखिए अरकम का मैंने सात मुखी मंगवाया था, कितना बड़ा है देखिए। ये भी अरकम का सात मुखी मंगवाया था मैंने, ये मंगवाया था 500 रुपीज़ में। और ये हो गया आपका आठ मुखी और काफ़ी बड़ा बीट दिया गया है। तो इसको पहनने से रिजल्ट भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। तो आठ मुखी रुद्राक्ष क्या आता है, आपका शरीर में अगर कोई भी बीमारी हो तो आप इसको धारण कर लीजिए, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, आपको नेगेटिव चार्जेस जो है बॉडी में वो भी निकल देगा, सब कुछ इस आठमुखी रुद्राक्ष को पहनने के बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ बॉडी में अगर कुछ भी बीमारी हो तो आप इसको धारण कर लीजिए,
अगर आप रुद्राक्ष में विश्वास रखते हैं तो इसको धारण कर लीजिए लाल धागे में, इसको शुद्धिकरण करने के बाद, पूजा करने के बाद धारण कर लीजिए सोमवार या तो बुधवार के दिन। आपका शरीर में जितना भी बीमारी है सब निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये जिसका जो प्राइस है 3500 लिया है। अभी चलिए मैं इसका सर्टिफिकेट भी आपको चेक करके देता हूँ। ये देखिए मैंने वेबसाइट में लिखा हूँ, यहाँ पे जो वेब एड्रेस लिखा हुआ है www.igljaipur.in, इसको मैंने यहाँ पे टाइप किया है तो ये वाला वेबसाइट खोल के आता है। और साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे जेमस्टोन और रुद्राक्ष, मुझे रुद्राक्ष चेक करना है तो रुद्राक्ष में मुझे क्लिक करना है, तो रुद्राक्ष में मैंने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे सीरियल नंबर मतलब सर्टिफिकेट नंबर डालना है मुझे। हाँ, यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया है, उसका बाद आपको लिखना है इसका वेट कितना है। 4.95 लिख दीजिए नीचे में, वेट में 4.95 लिख दिया मैंने। अभी इसको मैं शो में क्लिक करूँगा। अभी जो ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है कि नहीं निकल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे नीचे में निकल गया है, ये देखिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकल गया है। यहाँ पे सेम टू सेम यही है। अभी देखिए अभी सेम टू सेम यही है। अभी इसका पैटर्न आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे फ़ोटो खींचा गया है ये। अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए इसको, तो देखिए ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं ऐसे करके। आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आप उसमें चेक कीजिए, इसमें भी चेक करने से भी निकल जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इसमें सेम सर्टिफिकेट नंबर है, तो ये ऑनलाइन चेक करने से भी ये जेन्युइन निकलता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।